छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। ये खबर यह है कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी हां, दोनों के बीच गठबंधन हुआ है। बसपा 53 सीटों में, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मिलकर। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है ये। बसपा, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। दोनों पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, अलायंस बना है। बसपा 53 सीटों में, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन कर दिया है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है और दोनों ही पार्टियां मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। बसपा 53 सीटों पर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो क्या समीकरण बनेंगे इस गठबंधन से, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे रायपुर का, हमारी सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गए हमारे साथ लाइव। ममता, जो गठबंधन हुआ है बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच, उस गठबंधन के बाद किस तरह की सियासी समीकरण आप देख रही हैं अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में, ममता? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इसको कह सकते हैं कि गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी है और बसपा दोनों गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बसपा 53 सीटों में और वही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो बसपा जो है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो SC जो वोटर्स हैं उन्हें आप एक तरह से कहें कि वो मान के चलती है कि वहां पर जो है वो एक तरह से कहें कि उनकी मजबूती हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी है वो लगातार ST वोटर्स को लेकर, खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनका फोकस उस पर रहा है। तो जाहिर तौर पर ये दोनों ही, जब दोनों का गठबंधन होगा तो ST SC वोटर्स खासतौर पर इनके एक तरह से कहें कि फोकस में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से आप पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट यहां पर उतारे हैं और अब बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें तो बसपा से दो विधायक यहां पर हैं, तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कह सकते। आप भी जो है वो यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। अब बसपा और की को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है कि वो गोंडवाना गणतंत्र के साथ में मिलकर गठबंधन के साथ में यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि यह भी कहा जा सकता है कि लगातार जो कांग्रेस की सूची में भी जो देरी हो रही है और बीजेपी भी जो अपनी दूसरी सूची को लेकर जो लगातार मंथन कर रही है, उसका कारण यही है कि और क्या क्या समीकरण हो सकते हैं और कौन कौन किस सीट। अच्छा, ममता, सियासी नफा नुकसान की बात करें, ममता, अगर सियासी नफा नुकसान की बात करें तो इस गठबंधन से किसको नुकसान हो सकता है और किसको फायदा हो सकता है? क्या यह गठबंधन कांग्रेस को डैमेज कर पाएगा, क्या बीजेपी को नुकसान कर पाएगा, क्या 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 होगा इस गठबंधन से? देखिए अगर हम बात करें, अभी अगर हम बात करें तो ये तो जरूर है कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र इनका फोकस जो है वो ये क्या मान करके चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश कर रही है कि ट्राइबल्स को जो है वो खासतौर पर फोकस कर रही है कि उनको उन इलाकों को कैसे साधा जाए। कांग्रेस बीजेपी की बात अगर हम करें तो सरगुजा और बस्तर में वो पूरी तरीके से जीरो है और कांग्रेस जो है वो वहां पर अगर हम बात करें तो सारी सीटें वहीं कांग्रेस के पास में। एक चीज और है, बस्तर को लेकर ये माना जाता है कि अगर जीत का जो ताला है वो जो है वो बस्तर के जो नतीजे होते हैं वहां से खुलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र जो पार्टी है उसका फोकस वहां पर बस्तर पे है। बसपा की अगर हम बात करें तो पिछले अगर विधानसभा चुनाव में कहें तो दो विधायक तो हैं और आने वाले समय में क्या नतीजे होंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जरूर है कि वोट तो जरूर कटेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वोट किसके कटते हैं, क्योंकि देखिए सामने बयानबाजी करना अलग बात होती है लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो अलग चीज होती है।
तो कई बार होता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो कोशिश करती हैं कि बाकी जो चुनाव पे खड़े हैं उनको किस जो है वो अप्रोच किया जाए, और सामने बयानबाजी की बात अलग होती है लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स अलग होती है। तो देखना ये होगा कि दोनों ही पार्टियां बात कही आपने ममता की, वोट तो कटेंगे लेकिन वोट किसके कटेंगे, कितने कटेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सुना आपने बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या कुछ समीकरण बनेंगे देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम की, जिसमें तमाम पार्टियां जीत के लिए जोर लगा रही हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा चला रही बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 30 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का बिलासपुर में समापन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 30 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा के लिए पार्टी जोर